दमोह के पथरिया फाटक ओवरब्रिज से चंद कदम की दूरी पर एक युवक के साथ गले में धारदार हथियार से हमला करके लूट किए जाने का सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है। घटना की जानकारी लगने पर युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने अस्पताल में पहुंचकर युवक के बयानों के आधार पर आरोपी की पतासाजी और तलाश शुरू कर दी है। छुरेबाजी के साथ लूट की वारदात के शिकार युवक का नाम हटाके बेजोरी पाठक गांव निवासी टेक सिंह लोधी बताया जा रहा है, जो अपने रिश्तेदार को देखकर जिला अस्पताल से वापस अपने गांव जा रहा था। अस्पताल में बहू को देखने के लिए, उसके बाद हम गए तो दोस्त के वहाँ गए तो कंप्यूटर पर वहाँ पैन कार्ड अप्लाई करना था, फॉर्म दिया वहाँ में। वहाँ से हम सीधे गाँव साइड 11 बजे साइड जो राम रामा पेट्रोल पंप के सामने, वहाँ पे थोड़ी फोन आया तो वहाँ पर हम खड़े हो गए। ये लोग वहाँ से निकले, मेरे रिटर्न रुके आए वहाँ से, तो वहाँ से आए तो उन्हें चक्कू उड़ा दिया, मोबाइल दिया। अगर हमने मोबाइल नहीं दिया तो ये एक जन और साथ में जो है हमारे साथ में बैठे गाड़ी में, जब थोड़ी आगे तक आगे जाए तो उन्हें हमको चक्कू बांध दी और मोबाइल छीना। उसके बाद में उन्हें हमसे पासवर्ड पूछा, पासवर्ड नहीं बताया था, तो वो चक्कू मार रहे थे, हम तो जान से मार रहे थे। जान से मारने के बाद हम आप वहाँ पर जो निकल रहे थे चिल्लाया, नहीं तो किसी ने नहीं सुना था वहाँ। उसके बाद चिल्लाया, उसके हम नंबर देख रहे थे तो उन्हें एक नंबर की वहाँ थोड़ी देख पाया, हमने पूरा नहीं देखा, मैंने हाथ अड़ा दिया था प्लेट में, तो प्लेट में हाथ अड़ा मोबाइल छुड़ाने के बाद उन पैसे निकाले जेब से, और उसके बाद भी सीधे मैं दमोह सिटी तक भी आए। अभी उसके बाद पता नहीं कितने पैसे थे।